अभी जो पूरे देश में फैल रहा है कंजक्टिवाइटिस, इसकी बात करते हैं, आपके आंखों को सेफ करने की बात करते हैं। सारे प्लेजर्स आपके आंख से ही है, जो आप चीजों को एंजॉय करते हो अपने आंख से ही ना देख के करते हो, तो इसलिए अपने आंख को प्रोटेक्ट करना बहुत जरूरी है। और ये आंख जो है ये हमारे शरीर के सबसे फैसिनेटिंग और कॉम्प्लेक्स बॉडी पार्ट्स में से एक है। कंजंक्टिवाइटिस की बात करें तो अभी ये इतना सर्ज हो रहा है जो कि बहुत ही ज्यादा चिंताजनक बात है, चाहे दिल्ली एनसीआर की बात करें या फिर हाल ही में गुजरात से आए रिपोर्ट की बात करें, हर जगह ये फैल चुका है। लेकिन इसके बारे में कई रिलैक्सिंग बातें भी है जो कि आपको जान लेना चाहिए, क्योंकि इसके बारे में बहुत सी डर है जो कि लोगों के मन में बैठ गई है, तो उस डर को भी दूर करना जरूरी है। कंजंक्टिवाइटिस में जो वायरल कंजंक्टिवाइटिस होता है वो बहुत ही तेजी से फैलता है। कंजंक्टिवाइटिस से बॉडी का जो इम्यून सिस्टम है वो बहुत ही एक्टिवली लड़ता है, तो आपका बॉडी बहुत हद तक सक्षम है कंजंक्टिवाइटिस को हराने में और ठीक करने में। अगर आपको सिम्टम्स दिखे तो ऑफ कोर्स आपको आई डॉक्टर के पास जाना चाहिए, लेकिन एक चीज है कि इससे डरने की जरूरत नहीं है। ऐसा नहीं कि कंजंक्टिवाइटिस आपको हो जाएगा तो आपका आंख ही चला जाएगा हमेशा के लिए, जैसे कि बहुत लोग मिस इन्फॉर्मेशन फैला रहे हैं कि कंजंक्टिवाइटिस होने पर ये परमानेंट हो जाएगा, ये हो जाएगा, पागल है क्या। जो बेसिक नॉलेज अभी के टाइम पर आपको होनी चाहिए वो ये जो कि मैंने आपको बताया है, लेकिन बात ये है कि और भी आपको जानने की जरूरत है कि वायरल कंजंक्टिवाइटिस होता है, बैक्टीरियल होता है और एलर्जिक होता है। लेकिन इसमें जो वायरल कंजंक्टिवाइटिस है ये ज्यादातर लोगों को हो रहा है, और 7 से 14 दिनों के अंदर बिना ट्रीटमेंट के ही ये अपने आप ठीक हो जा रहा है वायरल वाला, और कई लोगों में तो 2 से 3 हफ्ते लग रहे हैं, और डॉक्टर के पास जाने पर एंटीवायरल मेडिकेशन जो है वो आपको लेना चाहिए। लेकिन एक फैक्ट जान लो, और इसमें अमेरिकन ऑप्टोमेट्रिक एसोसिएशन का भी आप आर्टिकल देख लो, कि कोई भी आई ड्रॉप वायरल कंजंक्टिवाइटिस को ठीक नहीं करता है, बैक्टीरियल पे असर कर सकता है, वायरल वाला जो है वो खुद ब खुद ठीक होता है। जो मैंने बताया कि वायरल कंजंक्टिवाइटिस जो है ये खुद ब खुद ठीक होता है, लेकिन साथ में सप्लीमेंट मेडिसिन दिया जाता है। लेकिन जो बैक्टीरियल कंजंक्टिवाइटिस है इसके लिए डॉक्टर आपको आई ड्रॉप देगा, तो जिनको हुआ है वो तो डॉक्टर के पास जाकर ही पता चलेगा कि किस टाइप का हुआ। ये जो टाइप बार बार मैं बोल रहा हूँ इसके बारे में आपको जानना बहुत जरूरी है कि कौन सा हुआ है। क्या आपको किसी चीज के घुसने के चलते हुआ है, यानी किसी फॉरेन मटेरियल के घुसने के चलते हुआ है, या फिर वायरस के चलते हुआ है, या फिर बैक्टीरिया के चलते हुआ है। कंजंक्टिवाइटिस का टाइम बहुत लोग क्या कर रहे हैं अभी के टाइम पर, कि उनको जो भी आई ड्रॉप पता है एक नॉर्मल क्लीनिंग आई ड्रॉप वो लेकर यूज कर रहे हैं, और उनको लग रहा है कि कंजंक्टिवाइटिस ठीक हो जाएगा। तो पहली बात, इस चीज को बंद करो, एक प्रोफेशनल जो डॉक्टर है उनके बात पर जाओ, ना कि ऐसे ही कि हाँ बात फैला हुआ कभी ये आई ड्रॉप लगा ले इससे तो ठीक हो जा रहा, वैसे नहीं होता। हो सकता है वो आई ड्रॉप जो आपका बॉडी रिकवर कर रहा हो कंजंक्टिवाइटिस से उस पे और असर डाल रहा हो, क्योंकि वो आई ड्रॉप पूरी तरह से तो आपके आंखों में ही जा रहा है जो आपके आंख को इफेक्ट कर रहा है। तो इसलिए बिना प्रेस्क्रिप्शन के जो मन में आए वो दवाई लेके मत आ जाओ। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल कंजंक्टिवाइटिस को लेके, कि जो ये बात कही जा रही है कि हमें काला चश्मा पहनना चाहिए तो इससे क्या फायदा है, तो एक्चुअली में बात ये है कि काला चश्मा कंजंक्टिवाइटिस में पहना इसलिए जाता है, ऐसा नहीं कि आंख से फिर दूसरे को ट्रांसमिट नहीं होगा, वैसा नहीं है। वो कंजंक्टिवाइटिस तब भी ट्रांसमिट हो जाएगा सामने वाले व्यक्ति को, लेकिन काला चश्मा इसलिए उनको पहनाया जाता है जिनको कंजंक्टिवाइटिस हुआ है, ताकि उनके आंखों में लाइट कम जाए, क्योंकि कंजंक्टिवाइटिस जिनको हुआ है उनको पता ही होगा कि वो लाइट को नहीं सह पाते हैं पूरी तरह से, लाइट को आंख प्रोसेस नहीं कर पाता, उनको अगर बाहर आसमान को भी देखने बोलो तो वो ठीक से नहीं देख पाएंगे, तो इसलिए ब्लैक ग्लासेस पहना जाता है। बाकी पहनने से जो स्प्रेड है वो नहीं रुकेगा, जो एक से दूसरे में फैल रहा है वो नहीं रुकेगा। कंजंक्टिवाइटिस के बारे में और एक बहुत ही प्रचलित बात है कि आप अगर कंजंक्टिवाइटिस किसी को हुआ है और उसके आंखों में जस्ट देखोगे इसी से आपके आंख में कंजंक्टिवाइटिस हो जाएगा, ऐसा मिथ बहुत जगह पर भारत में फैला हुआ है, लेकिन एक्चुअली में एक बहुत बड़ा मिथ है, MYTH। जस्ट किसी के आंख में आंख मिलाकर आंख में देखने से कंजंक्टिवाइटिस नहीं फैलता है। एक और फैक्ट आपको पता होना चाहिए कि आपका जो मोबाइल फोन है ये कितने जगहों से गुजरता है, और कई स्टडीज में ये भी पता चला है कि मोबाइल फोन जो है वो आपके टॉयलेट सीट से भी ज्यादा गंदा है, इस बात को आपने सुना होगा। तो फिर ये अगर कोई कंजंक्टिवाइटिस वाला पर्सन छू ले और फिर आप भी उसी मोबाइल फोन को फॉर एग्जाम्पल यूज करो और आप रैंडमली अपने आंख को ऐसे टच किए, तो इससे बहुत ज्यादा चांसेस बढ़ जाता है कि आप में भी वो आ जाए। होगा ही ऐसा नहीं है, लेकिन चांसेस बढ़ जाता है। और एक सवाल आप लोगों में से बहुत लोगों के मन में होगा कि ये जो कंजंक्टिवाइटिस है ये बारिश के टाइम, बारिश के सीजन में यानी मॉनसून में ही क्यों फैल रहा है, तो इसका आंसर ये है कि मॉनसून में जितने भी वाटर सिस्टम्स है वो फ्लड हो जाते हैं, और एक्सेस वाटर होने के चलते कॉन्टेमिनेटेड वाटर भी जगह जगह भर जाते हैं। कॉन्टेमिनेटेड वाटर यानी आपके घर में जो नल में पानी आता है वो भी कॉन्टेमिनेट हो जाता है।
बारिश के टाइम नॉर्मली फ्रेश जितना होना चाहिए पानी उतना होता नहीं है, और फिर वही पानी जब घर में आता है या फिर उसी से लोग अपने मुंह को धोते हैं तो इन्फेक्शन हो जाए इसके चांसेस बढ़ जाते हैं। और जो पानी में नमी होता है मॉनसून के टाइम, ह्यूमिडिटी, ऐसे एनवायरनमेंट में जो बैक्टीरियल कंजंक्टिवाइटिस है उसके होने के लिए जो बैक्टीरिया होता है वो जल्दी ग्रो होता है। तो इसलिए रेनी सीजन यानी मॉनसून में हमें इससे बच के रहना चाहिए और नॉर्मल से ज्यादा सतर्क रहना चाहिए। बाद में तो ये सब खत्म ही हो जाएगा जो ये इतना फैल रहा है। तो इसलिए एटलीस्ट कुछ दिनों के लिए थोड़ा सा एक्स्ट्रा सतर्क हो जाओ, बस सिर्फ कुछ दिनों के लिए अपने सेफ्टी के लिए। सिम्टम्स की बात करें तो अभी जो रिफ्रेश्ड सिम्टम्स है जिसके बारे में आपको पता होना चाहिए वो ये कि अगर आपको लगे कि आपके आंखों में कुछ है, एक फीलिंग कि आपके आंखों में कुछ है, एक ग्रिटी सा सेंसेशन, वो कंजंक्टिवाइटिस में लोगों का होता है। मतलब आप समझ रहे हो ना कि ऐसा लगे कि मेरे आंखों में कुछ है, कुछ होगा नहीं लेकिन आपको लगेगा कि कुछ है। और दूसरा सबसे बड़ा सिम्टम है आंखें लाल होना, आंखें अचानक से लाल होना, सुबह से शाम तक लाल बढ़ते जाना, और इसी के चलते लोगों को ब्लरी विजन हो रहा है। तो अगर अभी आपके एरिया में कंजंक्टिवाइटिस बहुत तेजी से बढ़ रहा है तो आपको इन चीजों का ध्यान रखना चाहिए जो कि वीडियो का सबसे मेन पार्ट है। क्या क्या? पहली बात, जब आप नहा के आते हो या फिर टॉवल को यूज करते हो और अपने मुंह को पोछते हो तो जब मुंह को वाइप करते हो मुंह और आंख को तो उसके लिए क्लीन टॉवल को लो। बहुत पुराना टॉवल लेके आंख में घुसेड़ दिया ऐसा ना करो। और दूसरी टिप, अपने हाथों को धोते रहो हमेशा अगर आपके एरिया में बहुत ज्यादा फैला है तो। और अभी अपने आंखों को कम से कम छुआ करो। जैसे होता है ना आंख छूने की बहुत लोगों की आदत होती है कि आंख को छूते रहते हैं, आंख को मलते रहते हैं, तो वो मत करो। और कॉन्टैक्ट लेंस वालों के लिए ये टिप आ रही है कि कॉन्टैक्ट, जो कि आप लोगों में से बहुत लोगों के लिए काम के नहीं है लेकिन 1% ऑडियंस जो कि कॉन्टैक्ट लेंस लगाती है, आप लोगों को ये कह रहा हूँ कि आप लोग अपने मंथली कॉन्टैक्ट लेंस को डेली से रिप्लेस कर लो, क्योंकि मंथली वाले को एक महीने तक हम लिक्विड में रख के यूज करते हैं लेकिन डेली वाला फ्रेश होता है, डेली फ्रेश लेंस लगाने को मिलता है। तो अभी कुछ दिन के लिए, जब तक ये महामारी है तब तक एटलीस्ट डेली में शिफ्ट कर जाओ। क्या आपको पता है कि आप अपने आंख को 1 सेकंड में 5 बार ब्लिंक कर सकते हो हाईएस्ट? आप करके देखो 1 सेकंड में 1, 2, 3, 4, 5 ऐसे आप करो एक बार ब्लिंक, तो आप 1 सेकंड में 5 बार से ज्यादा ब्लिंक नहीं कर पा रहे होगे। और एक फैक्ट ये है कि जब आप बातें कर रहे होते हो, टॉक कर रहे होते हो, तब आप ज्यादा ब्लिंक कर रहे होते हो। एक और फैक्ट ये है कि जब आप रात को फ्लैश से फोटो खींचते हो तो देखना, जब आप फ्लैश ऑन करके फोटो खींचते हो तो आंखें रेड दिखती है। ये चीजें आपने बहुत बार नोटिस की होगी। आपके आंखों के अंदर एक लेयर होता है क्रोइड नाम का, वो खून से भरा होता है, उसमें खून भरा रहता है और वो आपके रेटिना को नरिश करता है। और जब कोई आपका फोटो खींचता है फ्लैश के साथ तो इसी एरिया से लाइट वापस रिफ्लेक्ट होता है, तो जो खून है वही लाल दिखता है फिर आपको। और एक फैक्ट ये कि जब आप एक आंख से किसी भी चीज को देखते हो तो आपको डेप्थ यानी गहराई नजर नहीं आती है। 3D तभी पॉसिबल है जब आप दोनों आंख से देख रहे होते हो। क्या आपको पता है कि आपका आंख सबसे क्विकली हील होने वाले ऑर्गन्स में से एक है? अगर आपके आंख के किसी भी पार्ट में स्क्रैच आ जाता है तो करीब 48 आवर्स में ही आपका बॉडी उसको हील कर देता है। क्या आपको पता है कि जब आप एक छोटे से बच्चे थे, आप मान लो आज जन्म लिए, तो जन्म लेने के बाद आप क्या देख पाते? जन्म लेने के बाद जब आप अपने पेरेंट्स को देखते तो असल में आप क्लियरली नहीं देख पाते उनको बिल्कुल भी, क्योंकि जन्म लेने के बाद जो न्यू बॉर्न का जो आई है वो एकदम काम नहीं कर रहा होता है, सब कुछ ब्लर होता है और नन कलर यानी ब्लैक एंड व्हाइट यानी ग्रे शेड का सब कुछ दिखता है। इनफैक्ट 4 महीने बाद भी जाकर आपको हल्का हल्का कलर दिखेगा और वो भी थोड़ा ग्रे, जैसे एक ब्लैक एंड व्हाइट टीवी होता है वैसा आप देखते हो जब आप जन्म लेते हो तब से लेकर 4 महीने तक। 7 महीने बाद जाके कलर जो है वो और खिलने लगता है और 1 साल बाद जाके एकदम बिल्कुल नॉर्मल जैसे एक एडल्ट देखता है वैसा फिर बच्चा देखने लगता है। तो न्यू बॉर्न बेबी के बारे में अजीब सा फैक्ट है कि जिस तरह हम ब्लैक एंड व्हाइट मूवीज, ब्लैक एंड व्हाइट टीवी में जैसा देखते हैं, लिटरली वैसे ही सीन बच्चा रियल वर्ल्ड को देखते टाइम देखता है। क्या आपको पता है कि आपका जो मेमोरीज है, इस सब पे ध्यान दो, मेमोरीज यानी आपकी यादें, उसमें से 80% जो है वो उसी से डिटरमाइन होती है जो आप अपने आंखों से देखते हो। जब हम मेमोरी कहते हैं तो इसमें क्या क्या आता है? आप जो टच करते हो कोई चीज को, यादें, किस चीज को आप टच किए उसकी याद, या फिर किसी स्मेल की याद, या फिर आपने कुछ देखा था उसका याद यानी फोटो याद। तो 80% जो हमारी मेमोरी होती है वो आपके विजन से कैप्चर की हुई डेटा से ही बनती है।
क्या आपको पता है कि गेको ये जो क्रिएचर है इसका आंख 350 गुना ज्यादा सेंसिटिव है कलर से जितना हमारा आंख है उसके मुकाबले। यानी जितना अच्छा हम कलर को देख पाते हैं हमें क्या लगता है कि हाँ हम ये कलर देख रहे हैं, तो हमें तो पूरा क्रिस्प अच्छे से दिखाई दे रहा है, साफ दिखा रहा, हम तो ह्यूमन है, हमें बेस्ट क्वालिटी दिखता होगा। लेकिन इसके ऊपर भी एक और शार्पनेस की दुनिया है जिसको हम लोग फील नहीं कर सकते, क्योंकि ये ऐसी बात हो गई कि हम लोग मेढक हैं जो कि कुएं में हैं, लेकिन बाहर के समुद्र को हम लोग देख ही नहीं पा रहे, तो हम लोग को लग रहा है कि कुआं ही सब कुछ है। तो हम लोग उस इंटेंसिटी को देख पाए हाईएस्ट जो हम लोग बचपन से देखते आ रहे हैं। लेकिन गेकोज और ऐसे कई क्रिएचर्स हैं जो कि और अच्छे से कलर्स को देख पाते हैं, 350 टाइम्स ब्राइटर और क्रिस्पर कलर्स को देख पाता है ये गेको। तो ये थी आज की जानकारी, सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर ऑन कर लेना।